ऐसे गुर को बलबल जाइए आप मुकत मोहे तारे। सिख इतिहास के पन्ने फरोलीए तो शहादतां दी ओह दास्तान बयान कर जांदे ने जो रूह तक कंबा देवे। इन्हां पन्नियां च ही उकरी है शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत दी दास्तान। सिखां दे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के घर जन्मे श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरगद्दी ते विराजमान होके धर्म प्रचार के नाल नाल श्री गुरु रामदास जी वालों आरंभे कार्यों भी नेपरे चाड़ना शुरू किया। इस दौरान सिखी को मजबूत करने के लिए गुरु साहब ने 3 जनवरी 1588 को माघी वाले दिन श्री हरिमंदर साहब की नींह रखने का पवित्र काम मुसलमान फकीर साई मियां मीर तो करवाया। पंजवें पातशाह ने अपने गुरगद्दी काल दे विच सब तो महान काम इलाही बाणी रचन ते पहले गुरु साहिबान संतां भगतां दी बाणी नूं इकत्तर करन दा कीता ते एही कार्ज उस वेले दी हकूमत नूं खल गया। उस वेले अकबर दा पुत्र जहांगीर जदों तख्त ते बैठा तां विरोधियों ने गुरु साहब विरुद्ध उस दे कन्न भरने शुरू कीते। जहांगीर ने गुरु साहब नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच हज़रत मुहम्मद दी खुशामद दे शब्द दर्ज करन लई कहा जिस ते गुरु साहब ने साफ इनकार कर दिता। इस दे पंजवें पातशाह नूं शहीद करन दा हुक्म दे दिता गया। गुरु साहब नूं पहला तत्ती तवी ते बिठा के सीस ते तत्ती रेत पाई गई ते बाद विच उबलदे पानी दी देग दे विच सुट दिता गया। पर गुरु साहब तेरे पाने विच अमृत वसे दा उच्चारण करते रहे। अंत 16 मई 1606 नूं गुरु साहब के पावन शरीर नूं रावी दरिया के किनारे ले जाया गया ते वहा दिता गया। गुरु साहब की शहादत ने एक बार तो संगतां दे हिरदे ही विलुंदर के रख दिते सन, पर संगतां च मुड़ एक नवी रूह फूकन की जिम्मेवारी आप जी के सपुत्र ते 6वें पातशाह श्री हरगोबिंद साहब जी ने संभाली। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।